ये हमारे पास इसका डायग्राम है, इसके कॉर्नर पे रेडियस लगा हुआ है, ठीक है जी। इसको हम फिलेट रेडियस कह सकते हैं। इसका सिंपली आप प्रोग्राम कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसका डाया देखिए 94.63 है और इसका जो लेंथ है 110.75 है। तो इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर ऑन करके खाली जगह पर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रोग्राम है। टूल इसमें सेम ही है, टूल दोबारा लेना नहीं आपने, वही टूल चलेगा। वर्क पीस सेट करना है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है पीस की, टोटल इसका डाया कितना है। डायग्राम देखिए, टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 110.75 और डाया है 94.63 और कटिंग आपने जो की है उससे थोड़ा सा पीस हमारा बाहर रहेगा। तो यहां पर आप लिखिए टोटल इसकी लेंथ 100, एंटर मार के 110.75, फिर एंटर, डाया है 94.63, फिर एंटर। उसके बाद जो कटिंग जो हुई थी वो 85.34 तक हुई थी, तो हम इसको थोड़ा सा और बाहर रखते हैं, 90 mm इसको हम बाहर रख लेते हैं ताकि हमारा टूल चक के साथ ना टकराए, ठीक है। अब ब्लैंक जगह पे क्लिक करके इसको हमने चलाना है। अलार्म के साथ एरो पे क्लिक कीजिए, फिर ग्राफ पे क्लिक, उसके बाद सिमुलेशन पे क्लिक, फिर रीसेट पे क्लिक, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक। ये आपका जो प्रोग्राम बना है कॉपी टर्निंग विथ फिलेट रेडियस, क्योंकि इस पर हमने कॉपी टर्निंग भी की है और टेपर भी किया है, बट कॉर्नर पर आपका जो प्रोग्राम है वो रेडियस के अकॉर्डिंग बना है। जो हमने R25 लगाया है वो यहाँ पे बन गया, आधा रेडियस इधर को गया, आधा रेडियस हाफ में इधर चला गया, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गया। इसको हम बोलेंगे कॉपी टर्निंग विथ टेपर टर्निंग। 3D व्यू में देखोगे फ्रंट से आपका पीस इस तरह से तैयार हो गया, ठीक है जी। ये आपके यहाँ तक सारे कॉपी टर्निंग के जितने भी ऑपरेशन थे सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो वीडियो हम आपको करवाएंगे उसमें आपको ड्रिलिंग के ऑपरेशन के बारे में बताया जाएगा कि हमने ड्रिलिंग कैसे करनी है,